उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लंबे समय बाद प्रतियोगी परीक्षा कराने जा रहा है। आयोग की कई भर्तियों में हो चुकी घपले और धांधली के चलते इस परीक्षा को सही ढंग से कराना प्रशासन के लिए चुनौती बना है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा कराने जा रहा है। अनुशासन से अनुमति मिलने के बाद आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लंबे समय बाद प्रतियोगी परीक्षा कराने जा रहा है। पिछले साल जुलाई में आयोग की कई भर्तियों में घपले और धांधली की खबरें सामने आने के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में डेढ़ साल बाद आयोजित होने जा रही परीक्षा को लेकर आयोग ने पूरी तरह कमर कस ली है। 21 मई को होने जा रही सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को लेकर UK SSC ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। इस बार कोई चूक न हो इसके लिए आयोग ने परीक्षा केंद्रों में जैमर और बायोमेट्रिक मशीन लगाने का फैसला किया है। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने के लिए केंद्र से भी इजाजत मिल गई है। जैमर BEAL की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही बायोमेट्रिक का भी 100% मिलान किया जाएगा। सारी जो चीजें हम जो ये कर रहे हैं एक ही मकसद है, नकल किसी तरह की कोई नकल या कोई गलत काम ना हो पाए, यही चीजें हैं। जैमर है, किसी का मोबाइल काम नहीं करेगा तो संभावनाएं खत्म है। बायोमेट्रिक भी कभी कभी हो जाता है कि किसी की जगह कोई बैठ जाता है। ये बायोमेट्रिक को जो है हम और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे, और अभी तो खैर बायोमेट्रिक करेंगे, अब हम आयरिस का भी सोच रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मैदानी जिलों में परीक्षा केंद्र बनने से पहाड़ से युवा पेपर देने नहीं पहुंचते थे। ऐसे में इस बार आयोग ने नई रणनीति के तहत पहाड़ी इलाकों में अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। इस बार एग्जाम सेंटर भी ऐसे बनाए गए हैं जहां प्रतियोगी आसानी से दुर्गम इलाकों से परीक्षा देने आसानी से पहुंच सकें। ऐसे 62 सेंटर देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा में बनाए गए हैं। सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को हर तरह से विवाद रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा से लेकर जांच की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की रहेगी। अब तक जांच की जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसी करती थी। आयोग के देहरादून कोषागार में भी डबल लॉक और CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। नकल करते पकड़े जाने वाले प्रतियोगी को एग्जाम में बैठने पर रोक लगाने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल पिछले साल जुलाई में आयोग ने जितनी भी भर्तियां कराई थी उसमें कुछ न कुछ शिकायतें या धांधली सामने आई थी, जिसके बाद आयोग पर सवालिया निशान लग गए थे। ऐसे में कोई भर्ती परीक्षा में चूक न हो इसको लेकर आयोग ने पूरी तैयारियां और कमर कस ली है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 दिवसीय अन्न महोत्सव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र